क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? गर्मियों का मौसम चल रहा है, इस समय हमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आज के समय में गांव के अधिकतर तालाब सूखे हुए हैं, जिससे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और आवारा जानवरों को भी पानी नहीं मिल पाता है। प्यास के कारण कितनों की मौत हो जाती है। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए हम कुछ न कुछ प्रयास जरूर करें। जिस प्रकार हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है और हम अपनी प्यास बुझाते हैं, उसी प्रकार से इन पक्षियों को भी प्यास और भूख लगती है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इन जीवों को जल और अन्न देकर अपने आप को गौरवान्वित करें। अध्यापक की भी जिम्मेवारी स्कूल में बनती है कि वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को इन सब के बारे में बताएं और ऐसी शिक्षा दें कि अपने साथ अपने आसपास के जानवर और पक्षियों के बारे में भी सोचें। कहते हैं पक्षियों में हमारे पूर्वजों का वास होता है, तो क्यों ना हम इन पक्षी रूपी पूर्वजों को अन्न और जल देकर अपने परिवार को कष्टों से दूर रखें और साथ ही उनकी जान की रक्षा भी करें। हम अपनी छतों पर मिट्टी के बर्तन, जो कि बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, में पानी भरकर रख सकते हैं, नहीं तो किसी प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में होगा ये कि पानी ठंडा भी रहेगा और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। इसके साथ ही उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था भी करें। ये भी ध्यान रखें कि जिस बर्तन में उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, समय समय पर उसे साफ भी करते रहें। तो तनिक सोचिए फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, ध्यान से पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी और कुछ खाने का अरेंजमेंट अपनी छत पर जरूर करिएगा। थैंक यू।